दिल्ली के सभी स्कूल खुल चुके हैं। तकरीबन दो साल का कोविड पीरियड जो कि आप रहा है उसके बाद पूरी तरह से अब सभी स्कूल खुल चुके हैं और आज दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में मेगा पीटीएम है। वो पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग जिसके लिए काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे सभी पेरेंट्स भी, टीचर्स भी और कह सकते हैं बच्चे भी। और आज हम ऐसे ही एक स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ देखिए कितने सारे पेरेंट्स जो हैं वो आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ ताकि वो जो टीचर्स हैं उनसे बात करें और जाने किस तरह का उनके बच्चे का परफॉर्मेंस रहा है क्योंकि पिछले दो साल से बच्चे जो थे वो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे थे। सर क्या नाम है? महेश कुमार। महेश जी कौन से क्लास में आपकी बच्ची पढ़ी? सिक्स्थ में गई है मैम। सिक्स्थ में गई, क्या कहेंगे कितना जरूरी ये पीटीएम था आज होना और टीचर्स से बातचीत हुई, कैसा लग रहा है? नहीं बहुत जरूरी है, पीटीएम होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर मंथ में ही होना चाहिए पीटीएम और बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए ही होता है ये सब चीज। पेरेंट्स को बुलाया जाता है और हर चीज समझाई जाती है जिस तरीके से बच्चे के भी समझ में आ जाए, पेरेंट्स समझा सके और पेरेंट्स के भी समझ में आ जाए इस चीज को लेकर। क्या नाम है आप? पूनम नाम है। पूनम जी बताइए कितना जरूरी था आज का पीटीएम क्योंकि दो साल से तो बच्चे घर पे थे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, अब वापस स्कूल आना शुरू कराया, बच्चे परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जरूरी था आज। आज का दिन तो बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा लग रहा है। जब से स्कूल खुला है हमारे बच्चे तो इतने खुश हैं, उनके साथ हम भी बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं हर रोज स्कूल आए हमारे बच्चे। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हर रोज उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल आए हैं। एक और पेरेंट्स, हमने देखा कि जब शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी खुद आए क्लासरूम में, उन्होंने आपसे भी बातचीत की, बाकी पेरेंट्स से भी बातचीत की, कितना मोटिवेशन पेरेंट्स को भी मिला और स्टूडेंट्स को भी मिला इस तरह से खुद शिक्षा मंत्री का आना मेगा पीटीएम में और लगातार बच्चों से और पेरेंट्स से बात? मैम काफी अच्छा मिला और देख करके हम लोग भी खुश लगता है कि कम से कम सिसोदिया जी आते हैं और बातचीत करते हैं पूरा पेरेंट्स से। लेकिन थोड़ा मेरे उनसे मेरे शिकायत था कि मेरे बेटिया है जो इच्छा सिक्स कलवा पढ़ रहा है मैम, तो मेरे बेटिया को हर वक्त दौड़ने में फास्ट आता है लेकिन मेघवा मैडम ने उनको पीछे करके और दूसरे बच्चे अनुष्का को ले लिया उन्हें। फिर मैंने उसी वक्त में फ़ोन किया मेघवा मैडम जी को, तो उसने बोले कि नहीं आपके बेटिया दौड़ने में नहीं आया। लेकिन मैं बोला ठीक है मैं भी उनका पापा और उनको दूसरे पेरेंट्स को बुला लीजिए और दोबारा दौड़ लगाइए मैम, तो वो बच्चे को ले लेने लिया कि मेरी बिटिया काफी रो रहा था, मैं इसलिए मैं उनके पर मनीष सुदिया जी कपड़े रखा ये बात को। यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जो परेशानी है या जो भी उनके दिल में बात है वो जो यहाँ पर डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी आए उनसे खुद उन्होंने बातचीत की। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उनके चेहरे भी दिखा देते हैं किस तरह से बेहद खुश भी हैं पेरेंट्स यहाँ पे और साथ ही साथ बच्चे भी। देखिए दो बच्चियां यहाँ पर हैं, क्या नाम है आपका? इकरा जी। इकरा, इकरा कैसा लग रहा है स्कूल आके इतने दिन बाद पेरेंट्स के साथ आई है मीटिंग? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आपका? आमना। फर्स्ट में। कैसा लग रहा है पेरेंट्स के साथ स्कूल आके? अच्छा। देखिए जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है पेरेंट्स के साथ स्कूल आए, पीटीएम है, टीचर्स भी उनके पेरेंट्स से और बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ मध्य आईबीपी न्यूज़ दिल्ली।